झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत देवगढ़ में भवरिया तालाब निर्माण की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। तालाब निर्माण का टेंडर भी हो गया और कई बार सर्वे हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के चलते तालाब निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया है। 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले तालाब से न सिर्फ किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी बल्कि आसपास के 5 गांवों से पलायन भी रुकेगा। भवरिया तालाब निर्माण की मांग ने पकड़ा जोर, जनप्रतिनिधियों की शीघ्र तालाब निर्माण की मांग। तालाब निर्माण से रुकेगा 5 गांवों में पलायन, हजारों किसानों को मिलेगी सिंचाई की सुविधा। 5 करोड़ की लागत से बनना है भवरिया तालाब। मध्य प्रदेश के किसान कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने इसके लिए प्रदेश की मोहन सरकार लगातार प्रयास कर रही है। किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले इसके लिए प्रदेश में कई बड़े बड़े तालाबों का निर्माण करवाया जा रहा, लेकिन कई जगह स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते अब तक तालाबों का निर्माण नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही मामला है झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत देवगढ़ में सामने आया, जहाँ भवरिया तालाब का निर्माण होना है जिसके लिए शासन ने 5 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं, जिसका टेंडर होने के बाद 1 वर्ष पूर्व एग्रीमेंट भी हो चुका है, लेकिन 1 साल के बाद भी तालाब निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका। एक बार फिर जल्द तालाब निर्माण की मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। थानला जनपद उपाध्यक्ष माया प्रेम सिंह चौधरी ने कहा कि तालाब बनने से न सिर्फ किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी बल्कि गाँव की जल संकट की किल्लत भी दूर होगी। वही थामला विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक कल सिंह भाबर व वर्तमान में भाजपा मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का कहना भी है कि तालाब का जल्द निर्माण होना चाहिए। थामला से माया प्रेम सिंह चौधरी बोल रही हूँ और देवगढ़ पंचायत से भवरिया तालाब की सिंचाई वो नल जल योजना के लिए, और सूखा है बहुत है, गरीबी बहुत है, आदिवासी अंचल एरिया है, इसलिए तालाब बनना चाहिए। कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं बनने दे रहे हैं, तो आवा जरूरी है नल जल योजना के लिए और सूखे गिर रहे। अच्छा, ये जैसा पानी या तालाब में बन जाएगा तो ये लोग पलायन करना बंद कर देंगे? हाँ, लोग पलायन बनना कम कर देंगे और फसल होगी तो यहीं पे कमाएंगे और खाएंगे, बाहर पलायन नहीं करेंगे। आप क्या चाहते हो, तालाब बनना चाहिए? हम चाहते हैं कि तालाब बनना चाहिए। अच्छा, इस तालाब को बनने के लिए आपने कितने साल तक प्रयास किया था? हमने लगभग 15 साल से प्रयास कर रहे हैं और 2 साल से बार बार आते हैं देखने इंजीनियर और गांव के कुछ स्वार्थी लोग उनको भगा देते हैं। अच्छा, ये जो जमीन जो डूबने जा रही है, लोग कह रहे हैं हमारी जमीन है, ये जमीन सरकारी है क्या? ये सरकारी है, ऐसे ही जंगल पड़ा था, हमने हाँक लिया। अच्छा, ये तालाब जो बनेगा इससे बनने से और आसपास के 15 जैसा ग्राम इलाके आप बता रहे हैं, इनको ज्यादा फायदा होगा इससे क्या? हाँ, सब गांवों में पानी, कुएं में भी पानी बढ़ेगा तालाब की वजह से और सिंचाई पूरी फुल हो जाएगी, 15-20 गांव को फायदा मिलेगा। अच्छा, इसके टेंडर हो गए क्या? हाँ, इसके टेंडर हो गए पर रुकवा दिए, बार बार आए थे इंजीनियर देखने। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि तालाब बनना चाहिए। सरकार से क्या अपील है आपकी? सरकार से यही अपील है कि वहाँ जल्द से जल्द तालाब बनना चाहिए। जैसे बोल रहा मेरे क्षेत्र में लग रहा है ये भवरिया वाला तालाब, ये बनना सही है? बनना सही है, मतलब सबको समस्या है पानी की, पानी की 8-10 गांव। और इससे फायदा होगा किसानों को? हाँ। किसानों को फायदा होगा के? और जो लोग बाग वो पलायन रुकेगा उसके लिए? रुकेगा ना। और आपको कोई समस्या नहीं तालाब बनने से? देखो, तालाब बनने से हमारे को क्या समस्या, फायदा होगा आसपास लोगों को। हाँ। कोई दिक्कत, सबको समस्या है कि भाई पानी नहीं, समस्या है आजकल पानी नहीं मिलता है, इसलिए वरना चाहिए। हमारे साथ में है मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह जी भावर। इनकी विधानसभा के अंतर्गत देवगढ़ जो तालाब भवरिया का निर्माण होना है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि तालाब बनना चाहिए या नहीं। तालाब तो बनना चाहिए, सरकार ने इतना मेहनत करके उसका सर्वे कराया, उसका सारे कागजात तैयार करे और उसका लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार पैसा लगा रही है, और उससे लोगों को फ़ायदा ही होगा, तालाब बनना चाहिए। देवगढ़ के आपके जो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है,
भवरिया तालाब का टेंडर भी हुआ और कुछ लोग ग्रामीण का विरोध कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? ग्रामीण ज्यादा तो विरोध नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग उनको उचका कर विरोध करवा रहे हैं जो अपना स्वार्थ चाहते हैं। सरकार हर गरीब का विकास करना चाहती है मगर लोग बरगला कर उसका विरोध करवाते हैं जानबूझकर। कितना फायदा होगा इस तालाब बनने से लोगों को? ये तालाब बनेगा तो कई गरीबों का उत्थान होगा, कई गरीबों का उद्धार होगा। हमने देखा है पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, कांग्रेस सरकारें, एक भी तालाब उन्होंने निर्माण नहीं किया। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी तो मेरे क्षेत्र में करीबन 550 तालाब का निर्माण हुआ है, वो आज धरातल पर है। और उसके कारण आज प्रत्येक गरीब जो था आज उसके घर खेत में गेहूं पकते हैं, पलायन रुका है, पलायन रुका है और आज हर किसी को भोजन नसीब है। नहीं तो पहले भोजन के लिए त्राही त्राही करते थे। आप क्या चाहते हो, तालाब बनना चाहिए? बनना चाहिए तालाब, और मैं तालाब बनने के पक्ष में हूँ, बनाना चाहिए, उससे बहुत लोगों का फायदा होगा। उदाहरण के लिए यहाँ मैंने बजरंग सागर बनाया, जमीनें गई आज उसके बाद एक इंच जमीन नहीं है, मगर वो मजदूरी जाना बंद हो गया, पलायन रुक गया, पलायन उसका रुक गया। जमीन नहीं है, खेती नहीं कर रहा है, फिर भी वो घर पे आराम से खा पी रहा है। कारण उसका, उसने वहां मच्छी पालन का कार्य किया और वो आज करीबन एक दिन में 2,000-2,500 की मच्छी बेच देता है। पेयजल की व्यवस्था भी होगी इससे? सारी पेयजल की व्यवस्था हुई है, खेती में इजाफा हुआ है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार में, पहले हम हरियाणा पंजाब में ज्यादा खेती हुआ करती थी, आज पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा खेती उन्नति में उन्नत में सबसे ज्यादा पूरे देश में। और झाबुआ जिले के गेहूं की मांग विदेशों में स्पेशल, ये धरती, ये भूमि उपजाऊ भूमि है, पौष्टिक भूमि है और इससे पौष्टिक अनाज पैदा होता है, इसलिए विदेशों में भी मांग। वहीं झाबुआ जिले के जल संसाधन के मुख्य पालन अधिकारी विपिन पाटता ने कहा कि इस तालाब के बनने से 500 हेक्टेयर की लगभग भूमि सिंचित होगी और इस तालाब में जो जमीन डूब में जा रही है अधिकतर भूमि राजस्व विभाग की ही है। विभाग के अंतर्गत थानला विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो देवगढ़ पंचायत है, भवरिया तालाब का निर्माण होना है, वहाँ कितनी जमीन जो डूब में जा रही है? भवरिया तालाब के अंतर्गत लगभग 80 हेक्टेयर भूमि डूब में जा रही है, जिसमें लगभग 60 हेक्टेयर भूमि गवर्नमेंट है और 20 हेक्टेयर के आसपास प्राइवेट। इस तालाब की लागत कितनी है सर? इस तालाब की लागत प्रशासकीय स्वीकृति 8.42 करोड़ की आई है और इसका जो एजेंसी फिक्स हुई है वो 5 करोड़ के आसपास। इस तालाब के बनने से कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी? इस तालाब के बनने से 495 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, जिससे आसपास के लगभग 5 गांव लाभान्वित हो। फिलहाल देखना होगा कि ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद आखिर तालाब निर्माण का कार्य कब तक शुरू होता है। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।